व्हाट्स एप वेलकम टू अपना कॉलेज और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो उसको समझते हैं आज सपोज मैंने एक लिंक लिस्ट ले लिया यहाँ पर ठीक है जिसमें चार नोट्स हैं और मेरे को इसको रिवर्स करना है साथ जो लिंक्स हैं हमारे नोट्स के बीच में वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए ठीक है तो मेरा जो हेड है वो फोर पर आ जाएगा वो बन जाएगा मेरा फर्स्ट नोट और वन बन जाएगा मेरा लास्ट नोट तो यार इसको करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं एक आइट्रेटिव मैथड होता है एक रिकर्सिव मैथड होता है दोनों को हम एक एक करके

क्योंकि टू का नेक्स्ट में मैंने वन डाल दिया अब थ्री तक पहुंचने का कोई हमारे पास तरीका है ही नहीं राइट तो यार आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे हमें दो नहीं बल्कि तीन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो करते क्या है यार हम बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम तीन पॉइंटर्स लेंगे प्रीवियस करंट और नेक्स्ट करंट पॉइंट कर रहा होगा हेड पे और प्रीवियस जो है वो इनिशियली पॉइंट कर रहा होगा किस पे नल पे हमारा जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा करंट के नेक्स्ट पे तो क्या होगा यार जो हम करंट का नेक्स्ट है उस लिंक को चेंज कर देंगे एंड वी विल मेक इट पॉइंट टू प्रीवियस तो प्रीवियस ओरिजिनली नल हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमारा वन जो है वो रिवर्स लिंक लिस्ट में लास्ट नोड होगा है ना तो उसका नेक्स्ट तो पॉइंट करना चाहिए नल की तरफ राइट right? तो अब क्या होगा ये करने के बाद हम तीनों जो पॉइंटर्स हैं उनको एक एक स्टेप से आगे बढ़ा देंगे तो मेरा प्रीवियस आ गया वन पे करंट आ गया टू पे और नेक्स्ट आ गया थ्री पे अब मैं फिर से सेम प्रोसीजर करूँगी यार करंट का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करवा दूंगी मेरे प्रीवियस की तरफ और ये करने के बाद मैं फिर से अपने तीनों पॉइंटर्स को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगी तो मेरा प्रीवियस आ गया टू पे करंट आ गया थ्री पे और नेक्स्ट आ गया फोर पे नाउ अगेन जो करंट का पॉइंटर है दैट विल पॉइंट टू प्रीवियस अब देख रहे हैं हम यहाँ पे लूप में चल रहे हैं ना तो हम सेम चीज़ दोबारा कर देंगे तीनों पॉइंटर्स को एक एक स्टेप से आगे बढ़ा देंगे राइट तो अब क्या हुआ मेरा जो करंट है वो मेरे लास्ट नोड पे आ गया तो अभी भी मेरे को लूप नहीं ही ब्रेक करना है क्योंकि अभी एक लिंक है जो मैंने अभी तक चेंज नहीं करी है तो मैं दोबारा करंट का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करवा दूंगी प्रीवियस पे और अब जो है मैं अगर तीनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाऊंगी तो मेरा प्रीवियस आ जाएगा मेरे लास्ट नोड पर करंट आ जाएगा नल पे ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जैसे ही करंट नल हो गया मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर अपना लूप जो है वो ब्रेक करना है क्योंकि मेरी लिंकलेस जो है वो पूरी रिवर्स हो चुकी है और यार यहाँ पे हेड क्या है ये आपको दिख रहा है हमारा हेड जो हो जाएगा रिवर्स जो रिवर्स होके लिंक लिस्ट आएगी उसका जो नया हेड हो जाएगा वो मेरे को दिया जाएगा थ्रू प्रीवियस पॉइंटर राइट right. तो यार ऐसे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी इन आइट्रेटिव वे अब इसको कोड करते हैं हम तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रही हूँ नोट स्टार ठीक है रिटर्न बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ मेरा जो नया हेड होगा ऑफ रिवर्स्ड लिस्ट और यहाँ पे मैं ले रही हूँगी पैरामीटर जो भी हेड होगा हमारा लिस्ट का तो सबसे पहले तीन पॉइंटर्स बना लेते हैं यार एक तो हमारा प्रीवियस पॉइंटर हो गया जो कि होगा नल से इनिशियलाइज एक हमारा हो गया करंट पॉइंटर जो होगा हेड से इनिशियलाइज और तीसरा हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है तो इसको अभी हम इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हैं हम इसको लूप के अंदर ही इनिशियलाइज कर देंगे तो यार लूप मैंने बताया अभी आपको कि कहाँ तक चलेगा वो तब तक चलेगा जब तक करंट इक्वल नहीं हो जाता किसके नल के ठीक है तो तब तक हम लूप चलाएंगे और हम क्या करेंगे सबसे पहले नेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर कर देंगे करंट का नेक्स्ट ठीक है तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना हम आगे लिंक लिस्ट में बढ़ ही नहीं पाएंगे राइट right? और यहाँ पे करंट पॉइंटर होगा अब ये करने के बाद यहाँ पे भी ओहो अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे हमें तीनों पॉइंटर्स को जो है आगे बढ़ाना है सॉरी उससे पहले करंट पॉइंटर का नेक्स्ट हमने चेंज करना है ना लिंक तो चेंज कर ही नहीं हमने तो हम क्या करेंगे करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करवा देंगे प्रीवियस पॉइंटर पे और ये करने के बाद अब हम तीनों को आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो प्रीवियस पॉइंटर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा करंट पॉइंटर के और जो करंट पॉइंटर होगा वो हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंटर के इक्वल अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लूप जब दोबारा चलेगा तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम पहली चीज़ यही कर रहे हैं लूप में कि नेक्स्ट पॉइंटर में वैल्यू डाल रहे हैं करंट पॉइंटर का नेक्स्ट तो जब ये लूप खत्म होगा तो मतलब कि हमारा करंट पॉइंटर नल पर पहुँच चुका है और हमारा प्रीवियस पॉइंटर हमारे नए हेड पर है तो हम क्या करेंगे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारा प्रीवियस पॉइंटर क्योंकि ये है हमारा न्यू हेड राइट right, तो मैंने जो है इंसर्ट आर टेल और डिस्प्ले फंक्शन सब बना के रखे हुए हैं पहले से और यहाँ पे मैं कॉल कर देती हूँ फंक्शन तो नोट स्टार न्यू हेड ठीक है जो रिवर्स लिंकलेस का होगा एंड रिवर्स यहाँ पे हम हेड भेज देंगे एंड देन इस पर हम डिस्प्ले करके देखते हैं बाय सेंडिंग न्यू हेड तो यार ये थी मेरी ओरिजिनली जो थी लिंकलिस्ट और रिवर्स करने के बाद ये बन गई है ये राइट तो हमने आइट्रेटिव वे ऑफ रिवर्सिंग और लिंकलिस्ट देख लिया है अब बारी है रिकर्सिव वे देखने की तो यार वापस आओ अब हमारे एग्जाम्पल पे यार रिकर्सिव वे में हम क्या करते हैं कि हम जो है हेड ऑफ़ नेक्स्ट के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे तो हम क्या ज्यूम करेंगे यहाँ पे कि एक नोड हमने अपने पास रख लिया फर्स्ट नोड जो है बाकी लिंक लिस्ट के लिए हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया और वो रिकर्सिव कॉल जो है हमें बाकी लिंक लिस्ट को रिवर्स करके जो न्यू हेड आएगा उसे भेज रहा होगा ठीक है तो यहाँ तक अगर मेरी बाकी की जो भी लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है तो अब मेरे को सिर्फ एक लिंक है जो चेंज करना है मेरे को टू को पॉइंट करवाना है वन पे तो यार टू

ईजी हो गया समझने के लिए अब इसको कोड करते हैं यहाँ पे फिर से मैं भेज रही हूँगी न्यू हेड राइट और यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं रिवर्स रिकर्सिव नोट स्टार एंड अब यहाँ पे जैसे कि आई सेड हम सबसे पहले रिकर्सिव कॉल करेंगे तो वहाँ से जो न्यू हेड आएगा वो मैं स्टोर कर लूँगी न्यू हेड नोट स्टा में एंड इसके लिए हम रिकर्सिव कॉल करेंगे जहाँ पे हम भेजेंगे हेड ऑफ नेक्स्ट ठीक है तो अब मेरे पास बाकी की जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स होके आ गई है अब हम मेरे को क्या करना है मेरे को जो टू से वन वाला चीज़ मैंने बताया था वो चेंज करना है राइट right. तो मैं क्या करूँगी जो हेड का नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करवा दूँगी हेड पे ठीक है और हेड का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करवा दूंगी नल पे ठीक है तो मेरे को जो एक लिंक चेंज करनी थी वो मैंने चेंज कर दी और जो फर्स्ट नोड है उसको नल पे पॉइंट करवा दिया अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी न्यू हेड ठीक है तो यार ये हो गया मेरा रिकर्सिव केस बट अभी तक हमने बेस केस नहीं देखा बेस केस क्या होगा हमारे रिकर्सिव फंक्शन में यार बेस केस वो होगा जब हमारे पास एक ही नोट है या फिर मेरे पास एक भी नोट नहीं है है ना मेरी लिंक लिस्ट खाली है तो अगर हेड इक्वल टू नल और हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नाल ठीक है तो मतलब कि या तो लिंकलेस खाली हो या उसमें एक ही नोड हो तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे हेड ठीक है तो इस केस में हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यार इसको कॉल करके देखते हैं यहाँ पे मैंने रिवर्स जो लिख रखा था आइट्रेटिव मेथड उसकी जगह ही मैं रिकर्सिव डाल रही हूँ एंड सी इफ दिस वर्क्स टू तो यार हाँ यहाँ मेरे पास वही आ रही है मेरी जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स होकर मेरे पास आ गई है राइट सो दिस वॉज द रिकर्सिव वे ऑफ रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट एंड ये हम कर रहे हैं ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में राइट right? बिकॉज हम एक ही बार अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहे हैं सो दैट्स फॉर दिस वीडियो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आल सी इन द नेक्स्ट वन बाय टेक केयर